दोस्तों, मैं आपका भाई अब्दुल हारिस। दोस्तों, आज मैं गया स्कूल और स्कूल जाके मुझे आज बहुत अच्छा सबक याद था, बहुत अच्छा सबक याद था। आप कैसे, आप मुझे ये बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, खैर इतने दिन भी नहीं हुए। सो मैं तो था, खेलता रहा। आप खेलते रहे, बताएं ईद की छुट्टियों में आप खेले। मैं तो फुल, मैंने बहुत इंजॉय किया ईद की छुट्टियों में, बड़ा ही मज़ा आया मुझे। सो गाइस, पहले ना मैं स्कूल गया, पता गाइस मैंने तरतीब लगाई, और ना मैंने होमवर्क नहीं लिखा हुआ था, मैथ का होमवर्क नहीं लिखा। मैंने मैथ हुआ, मैं वहीं पर पढ़ने लगा, ला तस्वीर करने लग गया मुझे। मैं इतना डरा, फिर अचानक से मैम आई नहीं, तो बढ़ गया गाइस, मैम आई नहीं। मैं पहले मैं ऐसे बैठा था ना, मैं इतना कुछ हो गया तो मेरा दिल कर रहा वहीं पर मैं ना सकता हूँ ना, मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं पर नाचने लगूँ, पर आप तो ना सकते ना। सो गाइस, आप नहीं मज़े पढ़ते हैं यार। गाइस, मुझे एक बात मेरी बहुत होती है, मैं फज्र की नमाज़ छोड़ देता हूँ, तब जो है ना शैतान मेरी आँखें बंद नहीं कर देते हैं, पर फिर भी अल्लाह ताला मुझे थोड़ी थोड़ी सी मतलब कि हिम्मत देते हैं आँख खोलते हैं, पर यार नहीं होता नहीं। तो वैसे चार नमाज़ें तो मैं पूरी पढ़ लेता हूँ, मतलब जोहर, असर और मगरिब और ईशा। सो गाइस, आज जो है सैटरडे और कल बस संडे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं पढ़ना भी है, और ना दोबारा की तरह एक बार अल्लाह ताला ने हेल्प कर दिया, अगर दूसरी बार ना करे तो डांट पड़ेगी ऐसे, मुर्गा बनना पड़ेगा, सारे स्कूल में चक्कर लगाएंगे, फिर बेइज्जती होगी ना आपके भी लोग घर की, ये तो नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए मैं कल सबक याद करके जाऊँगा, क्या लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके ए बी सी, तेरी अम्मी कितने गई सी, वाह ओ प्रोग्राम तो पढ़ गया, छेर बन गया, ए बी सी तेरी अम्मी कितने गई सी। अच्छा, सो गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपको ये स्टोरी सुनाऊँ, और मुझे जब मैंने सुनी ना मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मुझे मेरे बाबा ने सोची थी, रात को मैं सो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो दोस्तों मैं एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहा था, मैंने भी किसी से सुनी है। तो एक सहाबा थे, वो जब बाजार में चीज़ें खरीदने जाते थे तो लोगों ने धोखा दे देते थे, मतलब के पैसे ज़्यादा ले लेते थोड़ी चीज़ों के, तो वो बहुत मतलब के वो ऐसे थे, मैं उन्हें सब इतना करते थे, सारे लगा देते थे। फिर एक दिन वो गए रसूल अल्लाह खुद नबीन के पास, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को कहा कि जो है ना मुझे सारे धोखा देते हैं कारोबार में, जब मैं कहीं पर जाता हूँ तो मैं मुझे चोर मतलब कि चोर लूट लेते हैं, तो आज से शर्म ने उन्हें एक दुआ बताई और उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा ला खिलाफा, उनको कहा अल्लाहुम्मा ला खिलाफा पढ़ोगे दुआ, अल्लाहुम्मा ला खिलाफा दुआ करोगे ना तो फिर तुम्हारी सही हो जाएगा, मतलब कि कारोबार सही हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो उन्होंने फिर से वो पढ़नी शुरू की और उनका कारोबार अच्छा हो गया। सो गाइस, पहले आप मुझे बताएं आप पाँच माते पढ़ते हैं, मैं एक छोड़ देता हूँ, वो कभी कभार रुक जाता हूँ तो पढ़ लेता हूँ पाँच माते। आप बताएं आपने रोज़े कितने रखे, रुको ज़रा कपड़ा लाना, दो रोज़े रखे थे मैंने, सॉरी गाइस। सो गाइस, मेरे व्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट के लो लिखो। तो अभी मुझे जल्दी मेरे पाकिस्तान का मैच देखने, बाय बाय, आपसे भी मिलूंगा कल संडे, बड़ा अच्छा व्लॉग बनाऊंगा, आपको बहुत इंस्ट्रक्शन में अच्छा होगा। और यार हमारे चक में झूले वाला कब आ रहा है, जब आएगा ना तब भी आपको दिखाऊंगा, जॉक मार के उल्टी कुल्लू बाजी, पहले गॉस पहले मैं मोड़ता सुन रही थी, आए हाय 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 हाय, पर अच्छी
ठीक ही गर्दन मोड़ गई थी मेरी। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट लिखो। तब के लिए बाय बाय पाकिस्तान। ओ छक्का मार दिया बाबर ने।